हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की गैलरी जो ऐप होती है उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कुछ नए वहां पर फीचर जोड़ दिए गए हैं। दोस्तों ये नया अपडेट क्या है और क्या नए फीचर हैं जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स में और यहाँ जाना है अपडेट्स में। अपडेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिलेगा। सैमसंग गैलरी में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा एक नया अपडेट आया, और यहां पर आप देखेंगे नए अपडेट्स में नए फीचर भी लिखे गए। यहां पर जो नया फीचर है वो है शेयर्ड एल्बम को लेके। अगर आपको नहीं पता शेयर्ड एल्बम होता क्या है दोस्तों, एक शेयर्ड एल्बम एक तरह का, आप अगर किसी को भी अपने जो भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को आप फोटो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, वो होती है शेयर एल्बम। वहां पर जो भी फोटोज या उस एल्बम में जो भी फोटोज या वीडियोज डालेंगे वो आपके जिसको आपने ऐड करके रखा है फैमिली या फ्रेंड पे वो एक्सेस कर सकता है, वो होती है शेयर्ड एल्बम। दोस्तों यहां पर अब क्या नया अपडेट किया गया था, पॉलिसी हैज बीन चेंज टू अलाउ शेयर्ड एल्बम टू बी यूज्ड विद फैमिली और फ्रेंड। मतलब जो उसकी पॉलिसी यहां पर चेंज कर दिया गया है, तो यहां पर दोस्तों उसकी पॉलिसी को यहां पर चेंज कर दिया गया है। मतलब कि जो भी अगर आप शेयर्ड एल्बम करेंगे उसकी जो भी पॉलिसी है उसको यहां पर चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स और फैमिली को। उसके नीचे अगर आप देखेंगे शेयर्ड एल्बम विदाउट मेंबर विद एक्सपायर एंड बी डिलीट आफ्टर 60 डे। मतलब कि अगर आप कोई शेयर एल्बम का विदाउट मेंबर कोई लिंक शेयर करते हैं तो वो 60 डे मतलब 60 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा। दे कैन कंटिन्यू यूज इफ मेंबर आर एडेड बिफोर एक्सपायरेशन। अगर आपने किसी को ऐड कर दिया, मतलब मान लो आपने किसी को कोई लिंक शेयर करा, आपने कोई भी वहां पर पहले किसी को शेयर नहीं करा, कोई मेंबर नहीं था और सिंपली आपने उसको किसी को लिंक शेयर कर दिया, अगर आपने कोई मेंबर ऐड नहीं करा तो वो 60 डेज में ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने उससे पहले कोई मेंबर ऐड कर दिया तो वो आपकी फोटो या वैलिड जो भी आपने शेयर करी है वो डिलीट नहीं होगी। और ये लिखा हुआ है पॉलिसी विल बी चेंज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। मतलब ये जो पॉलिसी है आफ्टर 6 मंथ के बाद ये चालू हो जाएगी। तो ये मतलब ये है कि अगर आप शेयर्ड एल्बम यूज नहीं करते तो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, अगर आप शेयर्ड एल्बम यूज करते हैं तो आपके बहुत काम की आने वाली है। तो मैंने इसको कर लिया अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको बताता हूँ ये आपको एक्चुअल में कहाँ मिलेगा और कैसे ये काम करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है या बोल सकते हैं अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है जो भी आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। शेयर्ड एल्बम के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और यहाँ जाना है आपको शेयर्ड एल्बम पे। शेयर्ड एल्बम में क्या होगा, आपने कोई शेयर के लिए बना रखा है, लाइक मैंने बना दिया मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, पहले क्या था, आप सिंपल यहाँ पर शेयर कर देते और शेयर हो जाता था, अभी भी सिंपल से ही शेयर होगा। बट अब होगा क्या, आप यहाँ थ्री डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आप एल्बम सेटिंग पे। बाय डिफॉल्ट एल्बम लिंक यहाँ पर बंद होता, आप एल्बम लिंक को जैसे ही चालू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, लेट एनीवन विद द लिंक बिलो व्यू द एल्बम लिंक रिसीव कैन बी एल्बम विद अंटिल 3 जून 2022। मतलब 3 जून 2022 तक आप यहाँ पर इसको लिंक के थ्रू कोई भी फोटो या वीडियो जो भी इस एल्बम में वो देख सकता है। बट अब क्या होगा, जो नई पॉलिसी आई है जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या आएगा, अब 60 डे की पॉलिसी हो गई है, पहले कम थी अब ये 60 डे तक रहने वाला है। मतलब 60 दिन तक अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो वो काम करेगा। बट अभी वहां पर अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी विल बी चेंज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब फर्स्ट हाफ के बाद वो वहां पर अपडेट हो जाएगा। तो यही नया अपडेट है, आप यहाँ पर जाके देखेंगे। आप चाहें तो अगर एल्बम लिंक नहीं करना चाहते हो, आप एल्बम लिंक बंद कर देंगे तो एल्बम लिंक वहां पर नहीं जाएगा। बट अगर आप एल्बम लिंक भेजेंगे तो अब वहां पर आपको 60 डेज के लिए हो जाएगा। बट ये बाद में अपडेट होगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही नया अपडेट था। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।